दिस इज सोफी रॉड्रिक्स कमिंग फ्रॉम मलाड. ये सोफी रॉड्रिक्स है, मलाड से आ रही है. शी हैज टू टेस्टिमनीज. इनके पास दो गवाहियां हैं. Whenever Pastor Michael would pray for rewards and recognitions, जब भी Pastor Michael प्रार्थना करते थे पुरस्कार और पहचान के लिए, honor come, आदर सम्मान, rewards come, और प्रतिफल और इनाम मिले, may be honored in front of all your colleagues in Jesus' name. आपके सभी सहकर्मियों के सामने आपको इनाम मिले, ऊंचा उठाया जाए. She would receive it with faith. ये विश्वास के साथ उसे ग्रहण कर लेती. Out of 1500 nominations across the globe, she was in the top 5 list. और 1500 जो नामांकित हुए थे इस पुरस्कार के लिए, उसमें से 5 लोगों में से श्रेष्ठ इसमें इनका नाम है. She is here to testify that in the year 2020, she received the Global Volunteer Award, which is one of the most prestigious awards in the organization. ये गवाही देती है कि इन्होंने प्राप्त किया ऐसा पुरस्कार जो विश्व स्वयंसेवक का पुरस्कार है, जो 2020 में हुआ था. Her second testimony is that her passport has been stuck with the consulate since June 2022. इनकी दूसरी गवाही ये है कि इनका जो पासपोर्ट वो काउंसलिन के पास फंसा हुआ था जून 2022 से. So she had given a prayer request on the Nova app. तो उन्होंने प्रार्थना गरज नोवा ऐप पर दी. On 13th of September 2022 during the online service, 13 September 2022 जब ऑनलाइन की सभा चल रही थी, Pastor Michael prophesied on a person in the studio that all chains of darkness holding the passport to be broken. Pastor Michael ने ऐसे भविष्यवाणी कहते हुए कहा एक व्यक्ति के ऊपर जो वहां पे मौजूद था, कि सारी जो जंजीर है अंधकार के जो तुम्हारे पासपोर्ट को जकड़े रखे हैं वो टूट रहे हैं. Your passport now. आपके पासपोर्ट को देखें इन्होंने. The enemy tried to chain your passport. शत्रु ने कोशिश की आपके पासपोर्ट को जंजीर से बांधने की. But the spirit of the Lord is saying that I am releasing your passport. Amen. I receive it in Jesus' name. आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे पासपोर्ट को इस वक्त मुक्त कर रहा हूँ. She received it with faith and testifies that she has received a passport. उन्होंने उस वक्त उस भविष्यवाणी को ग्रहण किया और ये गवाही देने के लिए आज मौजूद है कि इन्होंने अपना पासपोर्ट भी हासिल कर लिया है. She gives all glory and honor to Jesus our King and also thanks Pastor Michael and prayer warriors for praying. सारे महिमा और आदर यीशु मसीह राजा को देती है और पास्टर माइकल और जो प्रार्थना योद्धा है उनको भी धन्यवाद देती है.